सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से स्नैपचैट के फिल्टर का यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को शूट कर सकते हो लाइक दिस। तो आप ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो में मैंने स्नैपचैट का जो फिल्टर है उसका यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को शूट किया, ठीक है। तो इससे आप देखो, मेरे चेहरे की जो फेस क्वालिटी है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर गई है। साथ ही साथ देखो, आपका चेहरा तो बहुत अच्छा दिखता है माशाल्लाह, लेकिन अगर आप उसमें अपना कुछ फिल्टर का यूज़ करोगे तो आपका चेहरा थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, थोड़ा सा और गोरा दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो रील्स वीडियो है वो और भी ज़्यादा अच्छा दिखेगा, जिससे आप क्या होगा, आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपकी रील्स वीडियो वायरल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा बोले, ऐसा होता है। तो गाइस, अब मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, अब करता हूं वीडियो को स्टार्ट। व्हाट इज अप एवरीबॉडी, माय नेम इज फर्जी एंड यू आर वाचिंग फर्जी टेक यूट्यूब चैनल। तो गाइस, अगर कोई बंदा हमारे चैनल पे पहली बार आ रहा है तो प्लीज अभी के अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, तो हमें अपने इस यूट्यूब चैनल पे जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करना है। गाइस, ये बहुत बड़ा टारगेट है और मुझे इसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दो। तो गाइस, आपको प्रॉपरली स्नैपचैट का फिल्टर को यूज़ करके अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को शूट करना है तो उसके लिए आपको दो ऐप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट वन इज विडमेट। अब देखो, विडमेट ऐप को बहुत ज़्यादा मेन यूज है इस वीडियो में, ठीक है। अब विडमेट को अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करोगे तो आपको वहाँ नहीं मिलेंगे, ब्राउजर से भी वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा जो ऐप आता है उसका नाम है स्नैपचैट। समझ रहे हो आप? सो गाइस, सबसे पहले मैं अपने इंस्टाग्राम रील्स को ओपन करा। इंस्टाग्राम रील्स को ओपन करने के बाद में मैं यहाँ पे कोई भी एक वीडियो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब जो साउंड में मेरे को अपना वीडियो बनाना है वो वाली। तो जैसे मैं इसको कर लेता हूँ पहले डाउनलोड। डाउनलोड कैसे करना है, 3 डॉट्स पर टाइप करूँगा, शेयर टू करा, और ये मेरी वीडियो है जो वो डाउनलोड हो जाएंगी। अब डाउनलोड कैसे होंगी, वो होंगी विडमेट पे। तो विडमेट पे डाउनलोड करने के लिए हमको सिंपली डाउनलोड वीडियो पे टाइप करना पड़ेगा। डाउनलोड वीडियो पे टाइप करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो ये पेज थोड़ा लोड होने में टाइम ले रहा है क्योंकि मेरा नेट थोड़ा सा स्लो है। उसके बाद में जब आपका पेज लोड हो जाएगा तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा, आपको सिंपली रेड वाले ऑप्शन पर टाइप करना है, फिर आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड होने के बाद में गाइस, ऊपर में आप देख सकते हो जो 1 लिख के आ रहा है वहाँ पे हमारा वीडियो डाउनलोड हो रहा है, जो कि आप देख सकते हो हमारा वीडियो डाउनलोड हो गया। अब डाउनलोड होने के बाद में हम 3 डॉट्स पर टाइप करेंगे, फिर प्ले एज ए म्यूजिक करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो वीडियो है गाइस वो म्यूजिक में कन्वर्ट हो जाएगा और वो हमारे बैकग्राउंड में रन उतरेगा, बैकग्राउंड में प्ले उतरेगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली बैक आना है और गाइस आपको अपने स्नैपचैट को ओपन करना है। स्नैपचैट को ओपन करने के बाद में आपको कोई भी एक फिल्टर का यूज़ करके अपनी इंस्टाग्राम रील्स वीडियो, मतलब आप जैसे भी चाहो मतलब शूट कर लो, नोटिफिकेशन पैनल को नीचे ले लो और अपने म्यूजिक को स्टार्ट कर लो, ठीक है। और आपको जैसे वीडियो शूट करना है वैसे वीडियो को शूट। गाइस, मैंने एक नॉर्मल वीडियो को शूट करा है, फॉर एग्जांपल के तो मैं उसको आपको एडिट करना सिखा देता हूँ कान मास्टर ऐप पे, ठीक है। तो मैंने अपनी वो वाले जो वीडियो थी उसको इंपोर्ट कर लेता हूँ 9:16 के रेशो में, तो वो ये वाली वीडियो है। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपनी देखो आपकी जो वीडियो है उसको स्टार्टिंग का जितना पार्ट आपको रखना है आपको उतना रखो, बाकी को रिमूव कर दो। ऐसे ही मैं सेम प्रोसेस बैक में भी करूँगा, जितना पार्ट मेरे को नहीं रखना उसको मैं ट्रिम कर दूंगा और ऊपर से कर दिया डन। अब डन करने के बाद में गाइस, आपको पहले अपना जो म्यूजिक है उसको ऑफ कर दो, जैसे कि मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि वो खरखर आवाज नहीं आने को ना। उसके बाद में गाइस आप क्या करो, देखो मैंने म्यूजिक बंद कर दिया। उसके बाद में आपको पैन एंड जूम को एक ऑप्शन मिलता है, उससे आप अपनी जो वीडियो उसको थोड़ा सा जूम कर सकते हो कि मेरे को थोड़ा करना है, क्योंकि हमारे बॉर्डर जो होते हैं गाइस एकदम ब्लैक ब्लैक कर रहे थे और मेरा चेहरा एकदम छोटा लग रहा है, तो आप थोड़ा अच्छा लग रहा है। इसके बाद में गाइस आपको मीडियम साउंड, मतलब कि जो वीडियो आपने पहले डाउनलोड करा था वो वीडियो को आपको इनपुट कर लेना है। तो मैं उसको वीडियो को ढूंढ लेता हूँ, तो वो जो वाली वीडियो है जो मेरे को मिल गई, तो मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ। इसको मैं प्लस वाले टैप करूँगा और हमारी वीडियो को इंपोर्ट, ठीक है। अब इसके बाद में क्या करना है, आपको सिंपली एक्सपोर्ट ऑडियो पर टैप करना है और ये वाली वीडियो इसको कर देना है डिलीट। तो डिलीट होने के बाद आपको जितना म्यूजिक का पार्ट आप रखना चाहो आप उसका पार्ट रखो, अगर नहीं रखना चाहो तो डिलीट कर दो। तो गाइस, आई होप आप समझ गए किस तरह से आप अपने इंस्टाग्राम रील्स वीडियो को स्नैपचैट का फिल्टर लगा के यूज कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। गाइस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो यार, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने यूट्यूब चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर देना प्लीज। गाइस प्लीज, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जल्द से जल्द 1K सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कर देना। अब मैं मिलता हूं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।